हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, टाइप वन क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, आज बात करेंगे टाइप टू क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के लिए देखो, मैंने बोला कि दिस इज डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, तो एक डिविजिबिलिटी के लिए हमने एक लेमा पढ़ी थी, अगर आपको याद हो टेंथ क्लास में, दैट इज EDL, यूक्लिड डिविजन लेमा। ठीक है, पढ़ी थी मैं। ठीक है, वो क्या बोलते थे, सिंपल सा, कि नंबर ए को अगर मैं किसी नंबर बी से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, ए को बी से डिवाइड करोगे तो ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और जहाँ पे आर क्या होता था हमारा, लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता था। ये सुनो, ठीक है, ए क्या होता था, डिविडेंड, जिसको आप डिवाइड करोगे, बी इज डिविजर, क्यू इज इक्वेशन प्लस आर इज रिमाइंडर। मेन सिंपली क्या होता था कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 24, जिसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 8 24, योर रिमाइंडर इज जीरो। यानी मैं इस 24 को कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज 3 into 8, एंड 24 को 3 से डिवाइड किया प्लस 8 एंड प्लस मेरा रिमाइंडर। ठीक है, वो 0 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकता है, लेस देन 8, सॉरी 0 से लेके 3 तक, और 3 से लेस होना चाहिए, 0 1 2, इस कंडीशन में यही हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, ये जब एग्जैक्टली डिविजिबल है, जब रिमाइंडर 0 मिलता है, क्या मैं बोलता हूँ कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो क्या इस प्लस 0 को लिखने की जरूरत है, आई थिंक इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ कि एक नंबर अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सेम एज इट इज। अगर मैं ऊपर चला जाऊँ यहाँ पे अगर मैं आर को 0 कर देता हूँ, तो यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी मैं किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कब, जब कोई भी नंबर किसी एक नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ए अगर बी से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मैं ए इज इक्वल टू बी इंटू क्वेश्चन्ट ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन्ट किसका, जब ए को मैंने बी से डिवाइड किया तब, सेम एज इट इज एग्जाम्पल। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसने बोला है कि एन क्यूब प्लस 3n² + 5n + 3 इज डिविजिबल बाय 3। ये क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो PMI में स्टेप हमारे वही रहेंगे, 3 स्टेप होते हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज, मैं क्या करता हूँ, n इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करता हूँ मैं किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हम n इक्वल टू k लेते हैं, वे k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये सही है भाई, अज्यूम करते हैं कि ये क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इसको फिर से प्रूव करेंगे कि ये सही है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है, अदरवाइज ये क्या है, फॉल्स है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम एन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो एज इट इज मैं इसको PN लिख लेता हूँ, PN इज इक्वल टू दिस, एन क्यूब प्लस 3n² + 5n + 3। ठीक है भाई, अब सबसे पहला काम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, मैंने n इक्वल टू 1 ले लिया, क्या आएगा भाई, दिस बिकम 1³ + 3 × 1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोला है कि ये डिविजिबल है कि नहीं, वो चेक करना है, यहाँ जो नंबर आएगा उससे मैं डिसाइड कर लूँगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मेरे पास रहती थी। ठीक है, ये हो गया भाई, सॉल्व करते हैं, दिस इज 1 + 1² 1 ही होता है, 1 × 3 = 3, प्लस 5 + 5 + 3, ऐड करो यू गेट 12, एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3। सबको पता है भाई 12 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। आप चाहो तो यहां पे भी इसको P1 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, मैंने PN निकाला, PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। अगर इसके लिए ट्रू है तो सेकंड स्टेप मेरा क्या होता था, मेरा दूसरा स्टेप होता था कि मैं n इक्वल टू k के लिए इसको अज्यूम करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, लेट अस अज्यूम PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, वेयर k belongs to natural number, k हमेशा क्या होना चाहिए, natural number होना चाहिए, इसके लिए क्या होगा, true होगा। मैंने assume कर लिया भाई, अगर assume कर लिया है तो implies that मैं क्या लिख सकता हूँ, that जहाँ n दिख रहा है वहाँ k लिख दो, तो this k cube plus 3k² + 5k + 3, ठीक है, is divisible by 3। अगर मैंने बोल दिया कि n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, तो इसका मतलब जा n की जगह मैं k रख दूं तो ये 3 से डिविजिबल होगा। अब इसी चीज को देखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इम्प्लाइज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि k³ + 3k² + 5k + 3 इज इक्वल टू 3
और एक नंबर ले लो, लेट बी डी, मैंने डी ले लिया, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। पूरा नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है, एक्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर क्या है, 0, यानी प्लस में 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया ए इज इक्वल टू बी, और डी मेरा क्या होगा यहाँ के लिए क्वेश्चन होगा, और डी भी क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये भी क्या होगा, नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा क्योंकि आप एक नेचुरल नंबर को एक नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हो। आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो, ठीक है। हो गया भाई, इतना आ गया। इतना आने के बाद इसको मैं बोल देता हूँ दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप और जो लास्ट स्टेप है हमारा वो क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करना है, चेक करना है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन। अब मुझे क्या करना है, n इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करना है, ठीक है। हमने सीखा था कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, सबसे पहले वाली टाइल गिरनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स अगर रखी हुई है तो पहली टाइल गिरेगी, ठीक है, तो पहली तो गिरेगी, सही है। अब बीच में से कोई भी टाइल मैंने अगर एक गिर रही है तो उससे नेक्स्ट वाली भी 100% गिरनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट था। तो सेम एज इट इज मैंने एक एज्यूम कर लिया कि ये वाली टाइल गिर रही है, अब नेक्स्ट वाली मुझे प्रूव करना है कि ये गिरेगी। अगर ये गिर रही है इसका मतलब आपने बिल्कुल क्या है, जो आपकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप करते हैं, लिखो इसको, क्या लिखोगे, जहां n है वहां k प्लस वन रख दो, तो दिस बिकम k प्लस वन होल क्यूब, और इंप्लाइज दैट बोल रहे ना, ये प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है मुझे, मुझे ये प्रूव करना है कि k प्लस वन होल क्यूब प्लस 3 इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू के प्लस वन एंड प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। यहाँ पे इंप्लाइज दैट की बजाय ऐसे लिखोगे ज़्यादा बेटर, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि मैं n की जगह k प्लस वन रख दूँ तो ये 3 से मेरा डिविजिबल होना चाहिए। अब ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ लेता हूँ और इसको प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, मैंने ले लिया k प्लस वन होल क्यूब प्लस 3 इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू के प्लस वन एंड प्लस 3, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है कि दैट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। चेक करते हैं। अब देखो मुझे इसकी हेल्प लेनी है, ध्यान रखना, जिस भी टाइप के क्वेश्चंस करोगे लास्ट मैनिपुलेशन में थोड़ी सी चेंजेस होंगे, ठीक है। और चेंजेस क्या होंगे, बस आपको इसका यूज डिफरेंट तरीके से करना है। जैसे लास्ट में हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते थे। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं इसकी एग्जैक्टली डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तक तो नहीं लग रहा कि कर सकता हूँ, तो क्या करें, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसकी आइडेंटिटी खोल देते, देखो इसका होल क्यूब खोल सकते हैं, इसका स्क्वायर खोल सकते हैं, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दें, कर दो। दिस बिकम के क्यूब प्लस वन। आई थिंक सभी को पता होगा कि ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। सबको पता है भाई, पुट कर दो बस। ए क्यूब मतलब के का क्यूब, के क्यूब, वन का क्यूब वन ही होता है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू के स्क्वायर, तो इंटू वन, दैट बिकम 3 के स्क्वायर, एंड 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, तो दिस बिकम 3 के प्लस, अब 3 इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर खोल दो, दैट बिकम के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के, पैकेट क्लोज, 5 को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम 5 के प्लस 5 एन प्लस 3, ठीक है भाई। इस 3 को भी अंदर लेके जाना है, तो बाकी चीजें तो एज इट इज, इसको ऐड करना चाहो, इसको एज इट इज रहने देता हूं एक बार, ठीक है। बस ज्यादा जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज को कैलकुलेट करने की, ज्यादा जल्दी, ठीक है। तो एज इट इज जस्ट मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब क्या देखो, मैं इसकी वैल्यूज यहां पुट कर सकता हूं, ठीक है। इसके लिए मुझे चाहिए के क्यूब, के क्यूब है मेरे पास, मैंने इसको लिख लिया एज इट इज के क्यूब, ठीक है। फिर मुझे चाहिए 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर भी है, मैंने ये वाले टर्म आगे लिख दी, रीअरेंज कर सकते हैं प्लस में सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस का 5 के, प्लस का 5 के मैं यहाँ से उठा के लिख आया, दिस इज योर प्लस का 5 के, ठीक है। एंड प्लस 3, और प्लस का 3 मतलब ये वाला, ये मैंने लिख दिया एज इट इज। बाकी टर्म्स क्या कर सकते हो आप, ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो बाकी चीजें मैंने जो चाहिए था वो आगे लिख दिया, जहां से मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी, बाकी चीजें मैं एज इट इज लिखता हूँ। देखो अब अरेंज करते हैं ऑर्डर में, तो मेरे पास सबसे पहले 3 के स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूँ प्लस 3 के क्यूब, सॉरी ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास स्क्वायर वाली कोई टर्म है, स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो पावर 1 वाली लीनियर टर्म्स देखते हैं, 3 के प्लस 6 के, दैट बिकम प्लस 9 के, तो ये और ये टर्म भी आ गई। अब बचे की कॉन्स्टेंट टर्म्स, मतलब प्लस का 1, फिर आगे जाते हैं प्लस 3 4 प्लस 5 9, ये 3 हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है, हो गया भाई। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं,
इस पूरी को मैं लिख सकता हूँ 3D, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस बिकम 3D एंड प्लस बाकी चीजें एज इट इज, दैट इज 3k³ + 9k n+9, ठीक है? आ गया भाई, यहां लिख देना फ्रॉम 1, ठीक है? अब यहां से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से सबसे मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, यहां बचेगा d प्लस दिस बिकम 3 कॉमन आ गया तो k³ + 3k n+3, ठीक है? ये फिर से देखो मेरा एडीएल की फॉर्म बन गई है, ठीक है? क्या लिखा है मैंने, 3 इंटू समथिंग है, क्या ये नंबर 3 से 100% डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, डिवाइड करके देख लो, डिवाइड बाय 3, मतलब करोगे 3 से 3 कैंसिल आउट, दैट इज योर क्वेश्चन, ठीक है? इट मींस जिस नंबर से आपको डिवाइड करना हो तो लास्ट स्टेप में क्या करना है, मैनिपुलेट करके आपको क्या कर देना है, वही चीज कॉमन ले लेनी है, ठीक है? अगर वही नंबर कॉमन आ गया इसका मतलब ये डिविजिबल है, अदरवाइज ये डिविजिबल नहीं है, तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर, ठीक है, ऐसे लिख के पहले लिख दो, इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से क्या है, डिविजिबल है, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, ये k+1 के लिए भी ट्रू है, तो लास्ट स्टेप हो गया, तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा कि दिस इज डिविजिबल बाय 3 फॉर एनी n, n belongs to natural number, यानी n अगर natural number को belong करता है, तो ये statement हमेशा मेरी क्या रहेगी, सही रहेगी, ठीक है? That is your second type में, first type question बोल सकते हो आप, ठीक है? Second type of question में directly था मेरे पास, मैंने formula खोल दिया और इसको solve कर लिया, ठीक है? अब बढ़ते हैं next question की तरफ, ठीक है? I think आसान है, एक बार तरीका अगर समझ में आ गया हमें, ठीक है, कि कैसे करना है, ठीक है? और total 3 ही type के question है, तो ज्यादा problem नहीं आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो, 7n-3n इज डिविजिबल बाय 7। सबसे पहला स्टेप वही करते हैं, क्या करोगे, मेरा pn हो गया 7n-3n, हो गया भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 1, तो दिस बिकम योर p1, जहां जहां n दिख रहा है वहां 1 पुट कर दो, 7n-1-3n, दैट बिकम 4, सॉरी दिस इज डिविजिबल बाय 7 नहीं 4 मिलेगा, इज डिविजिबल बाय 4 बोले, सॉरी इसने बोला है कि प्रूव दैट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है p1 क्या आ गया 4, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि pn इज, और पहले ले आना डिविजिबल बाय, ये 4 से डिविजिबल होगा, एक चीज होगी, तो देयरफॉर बोल सकता हूं pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या आते हैं, अज्यूम करते हैं हम कि लेट अस अज्यूम दैट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पुट कर दो भाई, दिस ये क्या हो जाएगी मेरी pk एंड दैट इज इक्वल टू 7n-3n, दैट्स योर, अब ये क्या है, किससे डिविजिबल है भाई, दिस इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है? अगर मैंने माना कि pn n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये 100% 4 से डिविजिबल होगी, तो इज डिविजिबल बाय 4, यस और नो? ये जो है मेरी किससे डिविजिबल होगी, 4 से डिविजिबल है, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7n-k - 3n-k मस्ट बी इक्वल टू 4d, यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे, ठीक है? अब ये लिखने के बाद, ठीक है, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? लास्ट स्टेप क्या करना है, वी शैल प्रूव दैट pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, n इक्वल टू k+1 के लिए क्या होगी, ये ट्रू होगी, ये मुझे प्रूव करना है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, अल्टीमेटली मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं कि 7n-k -3n-k इज डिविजिबल, सॉरी k+1 and k+1 इज डिविजिबल बाय 4, ये पूरी टर्म यानी k+n की जगह k+1 रख दो, तो वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है? तो सेम एज इट इज, यही उठा लेते हैं कि 7n-k+1 -3n-k+1 मैंने ले लिया, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर सकता हूँ? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको ऐसे कर लो कि 7n-k (7 - 3n-k) (3)
ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल भाई, पावर प्लस में इसका मतलब बेस सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इनका प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ बेस को, ठीक है। अब देखो बेस सेम है तो पावर वापस से जाओगे तो आप वहीं यहीं पहुंच जाओगे कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी एड मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आई भाई, 7 raised to power k माइनस 3 raised to power k की वैल्यू मेरे पास 40 है, बट यहाँ 7 raised to power k है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है इसके साथ 7 है और इसके साथ 3 है, तो मैं ये वैल्यू पुट नहीं कर पा रहा डायरेक्टली जैसे लास्ट में हमने पुट कर दी थी, वो फर्स्ट आया था, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, सिंपल सा तरीका है, इस वाले स्टेप से इसकी या फिर इसकी दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालो, बेटर रहेगा हमेशा पहले वाले की निकालो, सबसे पहले जो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि इंप्लाइज दैट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 7 raised to power k की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4d मेरा एज इट इज रहेगा और ये उधर जाके हो जाएगा प्लस 3 raised to power k। तो इसको ऐसे लिख दो, तो 7 raised to power k की वैल्यू लिख सकते हैं यहां, तो लिख दो दैट बिकम 4d प्लस 3 raised to power k होल इंटू 7 माइनस 3 raised to power k इंटू 3 एज इट इज। कोई प्रॉब्लम भाई, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। इस 7 को ले जाओ अंदर, लेके जाओ क्या हो जाएगा 4 into 7d, लिख सकता हूं मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, प्लस मेरे पास बचेगा 3 into 7k, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन लगा दो या नीचे डॉट लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। माइनस 3 raised to power k इंटू 3, ठीक है, एज इट इज रहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉरी दिस इज 3 raised to power k था, सेकंड क्या है दिस इज, और दिस इज 3 raised to power k, तो दिस इज 7 into 3 raised to power k, यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है। ये वाली टर्म मेरी रहेगी एज इट इज 4 into 7d, प्लस इन दोनों से मैं 3 raised to power k ले सकता हूं बाहर, बिल्कुल ठीक। अंदर क्या बचेगा 7 और यहां बचेगा माइनस का 3, यानी 4 into 7d प्लस 3 raised to power k मेरा बाहर है, यहां बचेगा इंटू 4, 7 minus 3 is 4, सब में से 4 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचा 7d प्लस 3 raised to power k। इसका मतलब क्या है 4 into something है, इसका मतलब ये पूरी टर्म 4 का मल्टीपल है, और जो 4 का मल्टीपल होता है वो 4 से डिविजिबल भी होगा, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं इज डिविजिबल बाय 4। अगर ये 4 से डिविजिबल है इसका मतलब ये ट्रू है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, अगर ये इसके लिए ट्रू है तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज योर टाइप 2 में टाइप 2 क्वेश्चन था, ठीक है। अभी एक दो थोड़ा सा लेवल और आप बढ़ाते हैं और एक दो क्वेश्चन और बढ़ते हैं, ठीक है। अभी पूरा डिटेल में नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, जस्ट मैं आपको सॉल्यूशंस बताता जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो चीजें लिखनी है कि दिस इज पुट 1 एन इक्वल टू 1 वो सारी चीजें आप लिख सकते हो, आई थिंक लेट अस अज्यूम दिस इज दिस एंड सो, ठीक है, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल अप हो गया दोनों क्वेश्चन में, स्टार्ट करते हैं, देखो फर्स्ट, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 9, स्टेप वही रहेंगे सारे, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करते हैं कि पुट इसको पी एन ले लेंगे, पुट n is equal to 1, n is equal to 1 put karo, this become 1 cube plus this become 1 plus 1 whole cube and this become 1 plus 2 whole cube, solve karte hain, 1 ka cube to 1 hi rehta hai, 1 plus 1 is 2, 2 ka cube kya hota hai, that is 8, 3, 3 ka cube kya hota hai, 27, ultimately you get this is 9 plus 27, that is 36 and 36 is divisible by 9, aur ye 9 se agar divisible hai to iska matlab kya bol sakta hu ki pn is True for n equal to 1. Pn जो है true होगी किसके लिए, n equal to 1 के लिए, ये पहला step हो गया। Second step वही होगा कि let us assume it is true for n equal to k where k belongs to natural number. K किसको belong करता है, natural number को belong करता है। तो अगर ऐसा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जहाँ n है वहाँ k लिख दो, it means k cube plus k plus 1 whole cube प्लस के प्लस 2 होल क्यूब, दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ये लाइन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन लिखने, इसका मतलब मैं इसको 9d के को लिख सकता हूँ। देखो ये d आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे q ले लो, p ले लो, m ले लो, कुछ भी ले लो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n मत लिखना क्योंकि आप n और k मत लिखना क्योंकि आप कंफ्यूज जाओगे कि ये वाला n कौन सा है, ये वाला n कौन सा है, तो आपको डिफरेंशिएट अलग दिखाना है थोड़ा, ठीक है। तो इन ये क्या होना चाहिए, उसके अलग होना चाहिए बस, ठीक है। इसको 1 बनाने की जल्दबाजी हम नहीं करते हैं क्योंकि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि मुझे शायद हो सकता है कुछ चेंजेस करने पड़े इसमें, ठीक है। तो अभी मुझे पता नहीं है किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे, तो इसको मैं एज इट इज रखता हूं, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना होता है मुझे लास्ट स्टेप में कि वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, के प्लस 1 के लिए मुझे प्रूव करना है। इसका मतलब जहां एन दिखे वहां के प्लस 1 रख दो, दिस फर्स्ट वन इज के प्लस 1 होल क्यूब, सेकेंड वन हो जाएगा के प्लस 1 प्लस 1 होल क्यूब एंड द थर्ड वन इज
के प्लस वन प्लस टू होल क्यूब, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, आपको वैसे स्टेप करने मैं जस्ट आपको बता देता हूं। तो आगे इसको मैं सॉल्व करूं, दिस 1 प्लस 1 बिकम 2, 1 प्लस 2 बिकम 3, मुझे बोलना है कि ये इससे डिविजिबल होगा। अब देखो यहां से वैल्यू मुझे यहां पुट करनी है, तो अब मैंने देखा कि k प्लस 1 यहां पे है, k प्लस 2 है, यानी ये दोनों वैल्यूज मेरे पास हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहां से पुट कर सकता हूं, तो इसको ले जाओ उधर, तो दिस बिकम उधर जाएगा, तो ये जाएगा माइनस का k क्यूब, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों की जगह ये पुट कर दो, इन दोनों की जगह मैं रख देता हूं, दैट इज 9d माइनस k क्यूब और प्लस का k प्लस 3 होल क्यूब। कोई दिक्कत भाई? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट सॉल्व कर दो बस इसको, 9d माइनस k क्यूब प्लस a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, b इंटू 3, तो 3 3 जा 9k स्क्वायर। ठीक है, और 3a b स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27k, आ गया भाई। अब देखो इस k क्यूब से k क्यूब कैंसिल आउट, बाकी सब में से देखो किससे डिविजिबल पूछा है, 9 से, क्या सब में से 9 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 9 को निकाल लो बाहर, क्या बचेगा, d प्लस 3 प्लस k स्क्वायर प्लस 3k। ठीक है, अब 9 इनटू समथिंग है, इसका मतलब ये टर्म क्या है, 9 की मल्टीपल है, अगर 9 की मल्टीपल है इसका मतलब 100% किससे डिविजिबल है, 9 से, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स इट, सिंपल है, आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, एक कॉन्सेप्ट अलग से लगेगा और कुछ नहीं है, यही करवा दूं। ठीक है, देखो तो सबसे पहला काम इसको पी एन के इक्वल ले लेते हैं, 2 इंटू 7 रेस टू पावर एन प्लस 3 इंटू 5 रेस टू पावर एन माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। सबसे पहला काम मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, n इक्वल टू 1 पुट को दिस बिकम 2 इंटू 7, ये देखो डॉट जब नीचे लगता है ना, मैंने पहले बोला नोचल नीचे लगता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, अगर मैं इसे लिखता 2.7 तो इसका मतलब ये क्या है, अभी ये पॉइंट 2.7, और अगर मैं लिखता हूँ 2.7 इसका मतलब है प्रोडक्ट, 2 इंटू 7 मीन्स 14, इसका मतलब है 14 और इसका मतलब वही 2.7। ठीक है, 1 पुट करोगे दैट बिकम 1 प्लस 3 इंटू 5 रेस टू पावर 1 माइनस 5, सॉल्व करते हैं, 7 रेस टू पावर 1 इज 7, 7 टू जा 14 प्लस 5 रेस टू पावर 1 इज 5, 5 3 जा 15 एंड माइनस 5, अल्टीमेटली मुझे क्या मिला 24, और 24 किससे डिविजिबल होता है, 24 से होता ही है। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, नाउ वी हैव अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको लाइंस पूरी लिखनी है, तो आप पी के निकालो क्या होगा, पी के इज इक्वल टू दिस बिकम 2 इंटू 7 रेज टू पावर के प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर के माइनस 5, दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 24, इट मीन्स वी कैन राइट दिस 24d, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ से नंबर 1 बनेगी, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं, क्यों अगला स्टेप देखते हैं, वहां से जो चीज चाहिएगी वो निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है k प्लस 1 के लिए, तो मुझे n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना है, k प्लस 1 पुट करो, दिस बिकम 2 इंटू 7 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k प्लस 1 एंड माइनस 5। अब 2 इंटू 7 रेज टू पावर k है, यहां 7 रेज टू पावर k प्लस 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 7 रेज टू पावर k इंटू 7, सबको पता है भाई। ऐसा कर सकते हैं, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो मल्टीप्लाई करोगे दिस बिकम्स k प्लस 1, वहीं पहुंच जाओगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 रेज टू पावर k इंटू 5 एंड माइनस 5 एज इट इज। अब देखो इस पूरे की वैल्यू तो मैं पुट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखो इस टर्म के साथ ये इंटू 7 भी है, यहाँ पे इंटू 5 है, तो ये कॉमन भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब मुझे सिर्फ 2 इंटू 7 रेज टू पावर k की वैल्यू चाहिए, तो इसकी निकाल लो, 2 इंटू 7 रेज टू पावर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24d, ये उधर जाएगा, तो माइनस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 5, कोई प्रॉब्लम भाई, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट सॉल्व करते हैं इसको, इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूँ, ये वाली क्या हो जाएगी, दिस इज 24d माइनस 3 इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, इसकी वैल्यू आएगी इंटू में क्या है सबके 7 और प्लस 3 5 है, इनकी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पावर सेम है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 रेज टू पावर k माइनस 5। भाई आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इसके लिए क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ अब बोले कि 3 इस 5 की क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पावर अलग है। ठीक है, तो बेस की मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जब हमारी पावर सेम होती है। ठीक है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ। ठीक है,
7 को अंदर लेके जाते हैं, दिस बिकम 24 इंटू 70। देखो यहाँ पे ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, कि आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए नहीं। मुझे अल्टीमेटली इन सबसे क्या करना है, 24 को कॉमन लेना है, तो 24 को पड़ा रहने दो, 7 बच जाएगा, कॉमन लूंगा तब। ये हो जाएगा माइनस का 21 इंटू 5 रेस टू पावर के, 7 की 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 35, और ये हो जाएगा प्लस का 15 इंटू 5 रेस टू पावर के एन माइनस 5। बस कैलकुलेट कर लो, ये एज इट इज रहेगा 24 इंटू 70, ठीक है। माइनस का 21 इंटू 5 रेस टू पावर के, 15 इंटू 5 रेस टू पावर के, सेम टर्म्स है, तो ये कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेरिएबल की तरह काम करेगा। 20 माइनस का 21 प्लस का 15 क्या बचेगा, माइनस का 6 और इनटू 5 रेज टू पावर, ये मेरा एज़ इट इज। माइनस का 35 माइनस का 5 दैट बिकम माइनस का 40, ठीक है, कुछ गड़बड़ करती लगता है मेरे को, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो ये होगा भाई प्लस, ठीक है, तो इसका मतलब जो वैल्यूज मैंने पुट की ये आएगी प्लस, इसका मतलब ये भी क्या आएगी प्लस, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा 30, ठीक है। ये गड़बड़ कर दी थी। अब देखो यहां से तो 24 कॉमन आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा, ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है वही निकाल लो। तो मैंने क्या किया, इस 24 को एज इट इज लिखा इनटू 7d, ठीक है, माइनस, यहां से मुझे दिख रहा है कि माइनस का 6 मैं बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है, तो यहां पे बचेगा 5 रेज टू पावर के माइनस, यहां क्या बचेगा 6 5 30, ये बचेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहां से 24 कॉमन लेना है तो मुझे ये जो चीज है वो 4 की मल्टीपल चाहिए। अगर 4 का मल्टीपल होगा तो 6 4 24 इंटू समथिंग कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा, 24 बाहर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही चीज अलग थी, ठीक है, तो अब क्या करें, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये मेरा फिर से क्वेश्चन बन गया पीएमआई का, ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि ये क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहो तो इसको अलग से सॉल्व करके देख सकते हो। कैसे, देखो मेरे पास है 5 रेज टू पावर के माइनस 5, ठीक है, 1 पुट करते हैं, मैं n इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करता हूं, तो यू गेट 5 रेज टू पावर 1 माइनस 5, तो मींस 5 माइनस 5 दैट इज 0। क्या 0 4 का मल्टीपल होता है, या 4 से डिविजिबल होता है 0? बिल्कुल होता है, 0 को 4 से डिवाइड करो 0 मिलेगा आपको, तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, k तो अपने पास है, ठीक है, n इक्वल टू k के लिए, या फिर यहां पे बोल सकते हो k है मेरे पास, तो k इक्वल टू 1 कर लो, ठीक है। अब मैं k इक्वल टू, मान लो k1 पुट करता हूं, दिस बिकम 5 रेज टू पावर k1 माइनस 5, ठीक है। अब फिर से मैं चेक करूंगा किसके लिए, इससे नेक्स्ट टर्म यानी k प्लस 1 के लिए चेक करता हूं, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया दैट इज डिविजिबल बाय 4, मींस दिस इज इक्वल टू 4m, लिख देता हूं मैं इसको, लेट सेम स्टेप जो इसमें चल रहे थे वही स्टेप इसमें करके दिखा रहा हूं आप, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है ये करके दिखाना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि दिस 5 रेज टू आवर k माइनस 5 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। आप इसको लिख के नेक्स्ट स्टेप में आगे प्रोसीड कर सकते हो। ये क्यों होगा उसको मैं प्रूव वापस से करके दिखा रहा हूं, किससे, पीएमआई से, ठीक है। तो मैंने 1 पुट किया, 0 आया, 0 4 से डिविजिबल होता है, फिर मैंने k = k + 1 लिया क्योंकि यहां पहले से k था, तो कोई भी वेरिएबल लो, कोई भी वेरिएबल लो उससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका, उससे डिविजिबल होना चाहिए, तो मैंने k = k + 1 लिया, सॉरी k 1 लिया, तो ये डिविजिबल है 4 से, तो इसका मतलब 4 * समथिंग आएगा इक्वल टू, ये ले लिया मैंने। अब मुझे इसके लिए प्रूव करना है, तो दिस बिकम 5 raised to power k1 plus 1 minus 5. This become 5 raised to power k1 into 5 minus 5. अब यहां से देखो 5 raised to power k1 की वैल्यू रख सकता हूं, क्या होगी, ये 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5, रख दो यहां पे. That become 4m plus 5 whole into 5 minus 5. Simplify करते हैं, this become 4m into 5. ये 5 into हो जाएगा, यहां जाएगा तो 25 और minus 5. Again you get, this is 20. सब में से 4 को मना रहे हैं, इसका मतलब हमेशा ये क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ये स्टेप कर सकते हो, करना चाहो तो, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली लिख दो कि 5 रेज टू पावर k माइनस 5 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। तो अगर ये 4 से डिविजिबल होगा, मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया, तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि 24 इंटू 70 माइनस 6 इंटू 4m की फॉर्म में लिख दो इसको, ये सुनो, यहां से आप कह सकते हो 24 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 70 माइनस m, इसका मतलब ये क्या है, पूरा 24 से इंटू 24 का मल्टीपल है, मतलब 24 से डिविजिबल 100% होगा, ठीक है। तो एक नई चीज है यहाँ के, घबराना नहीं है, कुछ बच्चे हो जाएगा कि अब इसके आगे क्या करें, एग्जैक्टली नहीं मिल रहा, तो इस टर्म को आप वापस से पीएमआई से प्रूव कर सकते हो, या फिर ये 100% आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में क्या है, हमें स्टेटमेंट को ट्रू, सारी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करने का मतलब ट्रू होगी 100%, तो इसका मतलब ये ट्रू कब हो सकती है, जब ये 4 का मल्टीपल हो, और 4 का मल्टीपल होगा वो हमने चेक करके बता दिया कि 100% होगा, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू चेक करो, 1 करोगे तो 0, 2 करो, दिस बिकम 25 माइनस 5 दैट इज क्या हो जाएगा 20, 20 इज डिविजिबल बाय 4,
अगर मैं 3 पुट करता हूं 125 माइनस 5 दैट इज 120, 120 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, तो इट मींस सारी वैल्यूज किससे डिविजिबल होगी, 4 से, इट मीन दिस टर्म इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 4 और वी कैन से दिस टर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, तो देयरफॉर दिस इज इन द टर्म ऑफ 4m, ठीक है ठीक है, तो डिविजिबल फॉर, देयरफॉर आप यहां भी लिख भी सकते हो कि 5 रेज टू पावर k माइनस 5 इज इक्वल टू 4m, नाउ दिस प्रोसेस, ठीक है, देखो देखते हैं लास्ट टाइप का जैसे क्वेश्चन था लगभग वैसा ही है ये भी, ठीक है, और फिर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर टाइप 2 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, कल करेंगे टाइप 3, आज के लास्ट दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ये बोला इज डिविजिबल बाय 25, तो सबसे पहला काम वही n इक्वल टू 1 के लिए कर लो भाई, ठीक है, पुट n इक्वल टू 1, दिस इज योर pn, 1 चेक किया, दिस बिकम 7 रेज टू पावर 2, दिस बिकम 2 रेज टू पावर 3 माइनस 3 एंड इन टू 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1, ठीक है, ऐसे कुछ होगा, मैंने n की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, दिस बिकम 49 प्लस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 3 दैट इज 0, 2 रेज टू पावर 0 दैट इज 1, 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1 इज 0, अगेन 1, तो दिस इज 49 प्लस 1 दैट इज 50 एंड वी ऑल न्यू दैट 50 इज डिविजिबल बाय 25, तो दिस इज योर फर्स्ट, n इक्वल टू 1 कर दिया हमने, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू अज्यूम कि लेट अस अज्यूम pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, where k belongs to natural number, ठीक है, तो अगर ये केस के लिए ट्रू है तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 raised to power 2k plus 2 raised to power 3k minus 3 and into 3 raised to power k minus 1 is divisible by 25, it means we can say that is equal to 25 d के इक्वल हो सकता है, yes or no, कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर ये 25 से divisible है तो यहाँ से मेरी equation 1 बनेगी, ठीक है, Now we have to prove that this is true for k n equal to k plus 1. मुझे prove करना है कि ये true होगा किसके लिए n equal to k plus 1 के लिए. इसका मतलब मुझे क्या prove करना है? जहां n दिख रहा है k plus 1 रख दो. That is 7 into 2 raised to power k plus 1 plus 2 into 3 n किसी के रखोगे k plus 1 minus 3. The next is into 3 raised to power k plus 1 minus 1. ठीक है? Simplify करते हैं इसको. देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 रेज टू पावर के, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7 रेज टू पावर 2k प्लस 2, यहाँ क्या बचेगा 2 रेज टू पावर 3k प्लस 3 माइनस 3, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा 2 रेज टू पावर 3k और इनटू यहाँ बचेगा आपके पास 3 रेज टू पावर k और दिस मस्ट बी इक्वल टू, मुझे क्या प्रूव करना है कि ये दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 25, ये मुझे प्रूव करना है By using this, तो अब मुझे दिख रहा है 7 raised to power 2k की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 7 raised to power 2k into 7 raised to power 2, yes or no, ठीक है, बेस अलग अलग कर दिया मैंने दोनों पावर्स के लिए, ठीक है, इसको वापस जाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, ये सबको पता होना चाहिए, और ये मेरा है 2 raised to power 3k into 3 raised to power k, अब इसकी वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या होगी 7 raised to power 2k that is equal to 25d, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 रेज टू पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में एक दूसरे के, यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी, यहाँ वैल्यू पुट करो क्या मिलेगा, इसकी जगह मैंने रख दिया ये वाले टर्म, इट मीन्स दिस इज 25d माइनस 2 रेज टू पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1, आई थिंक यही है, बिल्कुल यही है, मैंने किसकी वैल्यू रख दी इसकी, इंटू में सबके 7 है, 7 रेज टू पावर 2 इस वी कैन से 7 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2 रेज टू पावर 3k प्लस 2 रेज टू पावर 3k इंटू 3 रेज टू पावर k, यहां तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब 7 का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है 49, तो मैं इसको लिख देता हूं 49 और इस 49 को लेके जाता हूं अंदर, ये क्या हो जाएगा दैट इज 49 इंटू 25d, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ करोगे तो माइनस में एज इट इज, तो माइनस 49 इंटू 2 रेज टू पावर 3k, क्या मैं इसको 2 रेज टू पावर 3k इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 3 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको मैं 3 रेज टू पावर k इंटू 3 रेज टू पावर माइनस k भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बेस सेम है, प्रोडक्ट होगा तो पावर क्या हो जाएगी एड, यानी आप वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है, हो गया सबका, बाकी बचा मेरे पास 2 रेज टू पावर 3k इंटू 3 रेज टू पावर k, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब मुझे दिख रहा है कि पहले वाले टर्म तो एज इट इज रहने देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये तो 25 से डिविजिबल है, इसके साथ कुछ नहीं करना, अब यहां से क्या दिख रहा है आपको, यहां से मुझे दिख रहा है 2 रेज टू पावर 3k एंड 3 रेज टू पावर k मैं कॉमन ले सकता हूं, तो माइनस 2 रेज टू पावर 3k इंटू 3 रेज टू पावर k मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, ठीक है,
अंदर क्या बचेगा, अंदर मेरे पास यहाँ से बचेगा 49 इन टू, यहाँ से बचेगा 2^-3 और ये बचेगा 3^-1, क्योंकि ये और ये चीज़ मैंने बाहर निकाल दी, तो ये बाकी ये बचेगा प्लस, अभी बाहर माइनस निकालो तो ये हो जाएगा माइनस, ये मैंने पूरा बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचेगा -1। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 49 × 25d -2^ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2^3 होल^2 की, पावर के ऊपर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो इसके लिए ऐसे लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज 3^k नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा 49 और अब इस पावर को पॉजिटिव करना तो नीचे जाएगा, दैट इज 2^3 × 3^1 एंड -1 मेरा एज इट इज। सिंप्लीफाई करते हैं, 2^3 क्या होता है, दैट इज इट। अब देखो दोनों का बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम है, पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8^3 = 24, तो दिस बिकम 24^k। 2^3 क्या होगा, 8 और 3^1 = 1, तो 8^3 ये भी हो जाएगा मेरा 24। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 49 × 25d -24^k into LCM क्या आएगा 24, दिस इज 49 - 24, ऊपर क्या आ जाएगा 25, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस 24 को ऊपर लिखते हैं, दैट इज 49 × 25d -24^ पावर k है, यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट, तो k -1 × 25। अब सब में से 25 आ सकता है बाहर, तो 25 बाहर, 49, ठीक है ये बाहर आ गया, माइनस बचा 24^k - 1, दैट्स योर आंसर। तो ये अगर 25 का मल्टीपल है इसका मतलब ये क्या है, डिविजिबल भी है, किससे, 25 से, ठीक है। ठीक है, और अब चाहते तो ये भी कर सकते थे, यहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया हमने, देखो वहाँ पे ज़्यादा करने 25^k, इफ़ k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो दिस इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 24, यस और नो, k^1 मीन्स 24, k^2 मीन्स 24 × 24, 3 मीन्स 24 × 24 × 24, तो फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिस इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ किसका, 24। तो अगर ये 24 का मल्टीपल है तो इसका मतलब यहाँ से मैं इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हो इसका मतलब दिस टर्म इज ऑलवेज बी ए नेचुरल नंबर, ठीक है, ये क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा, तो अल्टीमेटली मुझे आंसर क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब नहीं है कि डेसिमल में होना चाहिए, जैसे नीचे मुझे दिख गया तो 24 है, अगर यहाँ पे 24 की बजाय कुछ और होता तो फिर मुझे प्रूव करना पड़ता कि दिस मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, ठीक है, मीन ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है ये प्रूव करना पड़ता, नाउ इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो आप k की, व्हेन k बिकम 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, दिस इज 0, तो दिस बिकम कंप्लीट 0, ये 0 है तो सॉरी ये पावर क्या हो जाएगी 0, 24^0 इज 1, तो इट मीन्स ये पूरी टर्म 1 होगी, तो यहाँ से आप 25 बाहर निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो आप k की कोई भी वैल्यू पुट करो, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, और वी कैन से दिस इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 24, ठीक है, तो हो गया आई थिंक, आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है आज का। ठीक है, देखो ये भी आसान है, इसने क्या बोला है कि x and y are integers, x और y मेरे क्या है, दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, where n belongs to natural number and x minus y does not equal to 0, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, then prove that x^n - y^n is divisible by x minus y, ठीक है। कुछ बच्चे देख के इसको घबरा सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, वही चीजें हैं जो हम पहले कर रहे हैं, वैसे ही करना है बस, यहाँ पे हम 1 जैसे 25 था तो 25 की जगह x minus y दे दिया, बस ये डिफरेंस आ गया, तो सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे। सबसे पहला स्टेप मेरा pn हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x^n - y^n, हो गया भाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मेरा, सबसे पहला स्टेप होता है कि मैं n इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करता हूँ, ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 कर दो भाई, दिस इज p1, दिस बिकम x^1 - y^1, इट मीन दिस इज इक्वल टू x - y, क्या x - y से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, x - y डिवाइड बाई x - 1 y करो क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है, मतलब 24 से डिवाइड होता है, सेम नंबर सेम से डिवाइड तो होगा 100%, तो इट मीन दिस इज डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है, x माइनस वन से, तो देयर फोर pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं हम क्या, कि लेट अस अज्यूम pn इज ट्रू फॉर, और वी कैन से pn इज डिविजिबल बाय, भी बोल सकते हो इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट थी मेरी pn, ठीक है, सॉरी ये पूरी रहेगी मेरी pn, ठीक है,
तो अगर मैं एन की जगह के रख दूं, इसका मतलब बोल सकता हूं एक्स रेज टू पावर के माइनस वाई रेज टू पावर के इज डिविजिबल बाय किससे, एक्स माइनस वाई। तो मैं इक्वल टू लिखता हूं एक्स माइनस वाई इन टू डी, ठीक है। ये अगर इससे डिविजिबल है तो मेरा रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमेशा जीरो। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज योर इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। हो सकता है मुझे इसको चेंज भी करना पड़े इक्वेशन उनको, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते आए, ठीक है। लास्ट स्टेप लेते हैं, क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, पुट कर दो भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, जहां एन है वहां के रख दो, तो एक्स रेज टू पावर के माइनस के प्लस वन माइनस वाई रेज टू पावर के प्लस वन, ठीक है। ये डिविजिबल है किससे, एक्स माइनस वाई से, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इसकी फॉर्म में लेके आने की, दिस बिकम एक्स रेज टू पावर के इंटू एक्स माइनस वाई रेज टू पावर के इंटू वाई, ठीक है। अब क्या मैं इसकी पूरे की वैल्यू रख सकता हूँ, नहीं रख सकते। हम किसकी रख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर के की तो रख सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं एक्स रेज टू पावर के को एज इट इज रखता हूँ, बाकी चीजें उधर ले जाता हूँ, दैट बिकम एक्स माइनस वाई इंटू डी, और ये उधर जाएगा तो इंटू वाई रेज टू पावर के, बस वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। इसकी वैल्यू होगी एक्स माइनस वाई इंटू डी प्लस वाई रेज टू पावर के, और सबके इंटू में क्या होगा, एक्स माइनस वाई रेज टू पावर के इंटू वाई। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आगे देखो। अब देखो इस x को मैं अंदर लेके आता हूं, दिस बिकम x माइनस वाई इंटू डी पहले से था, और इंटू में क्या हो जाएगा इसके, x प्लस इन दोनों के इंटू में क्या हो जाएगा, x, तो y रेज टू पावर k इंटू क्या हो गया, x, और माइनस y रेज टू पावर k इंटू y मेरे पास पहले से था। इन दोनों से y रेज टू पावर k कॉमन आ सकता है, तो ये मैं एज इट इज रखता हूं, y रेज टू पावर k मैंने बाहर निकाला, यहां बचा x माइनस वन। अब इस पूरी टर्म से देखो, यहां भी y माइनस एक्स माइनस वाई है, यहां भी x माइनस वाई है, मैंने x माइनस वाई निकाल लिया बाहर, क्या बचा भाई, यहां बचा मेरे पास एक्स टी, और यहां बचा प्लस वाई रेज टू पावर के। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो, मुझे दिख रहा है कि ये जो पूरी टर्म है ये x माइनस वाई का मल्टीपल है, अगर ये x माइनस वाई का मल्टीपल है इसका मतलब ये इससे डिविजिबल भी होगी, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो दैट्स इट, ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, ठीक है। कल हम करेंगे थर्ड टाइप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अभी थैंक यू।